सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। आपको बता दें कि नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा पर आरोप लगाया था कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार का दावा करके कानून का उल्लंघन किया है। 11 जनवरी को कथा संपन्न हो गई, जबकि इसकी अंतिम तारीख 13 जनवरी थी। इसकी वजह नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का चैलेंज बताया जा रहा है, जिसको लेकर वो पहले ही जवाब दे चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि वो सुर्खियों में आए, वो पहले ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनके खिलाफ नागपुर में पुलिस केस दर्ज किया गया है। ये केस नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने दर्ज करवाया है। समिति का कहना है कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो वो कोर्ट का रुख करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में धीरेंद्र शास्त्री का दावा है कि वे लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वे पहले ही उसे कागज पर लिख लेते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम के सरकार का कहना है कि ये ध्यान विधि का नतीजा है, जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्ति के जरिए वे भक्त की समस्या जानकर उसे कागज पर लिख लेते हैं। हनुमान जी की कृपा से वह सही हो जाता है। दरअसल धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। उनके दादा पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी यहां रहते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन अगर बात उनकी कमाई की करें तो हर महीने की उनकी कमाई करीब 3.5 लाख रुपए तक है। वह रोजाना करीब 8,000 रुपए कमाते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.